नमस्कार, केएम न्यूज में स्वागत है आपका। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिन के शुभ अवसर पर बलसाड़ ग्रीन पार्क 3 कौसम्बा रोड पे आई नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट जज एम के दवे जी, एडिशनल जज असलम दासुरा जी, मामलतदार के एन एन वसावा जी, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के ट्रैक मैनेजर राहुल मिश्रा जी, अन्य सदस्य और गो कोरोना ऑल एनजीओ के साथ नेशनल स्कूल के प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल और स्टाफ की उपस्थिति में आज ध्वज वंदन के साथ वृक्षारोपण किया गया। ये आज़ादी का दिन है, बहुत लड़ाई, बहुत भोग और बहुत तपस्या के बाद में ये आज़ादी मिली है। हम मानते हैं कि इसका जतन करना हर नागरिक का फ़र्ज़ है और इसकी आज़ादी को संभालने के लिए हर नागरिक को जो भी सेक्रीफाइस या जो भी भोग देना पड़े वो देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर जो हमारे आज़ादी के लड़वैये थे, उन लोगों ने जो सपने देखे थे, वो सपनों में छोटे से छोटे आदमी का विकास, जो दरिद्र नारा है उसको जमीन, रहने का ठिकाना, पीने का पानी, ये अगर सब मिल सकता है। और हम मानते हैं कि 1947 के बाद में जो भी सरकार आई, वो सरकारों ने गरीब आदमी के लिए जो डाउन ट्रोडन एमंग्स द मोस्ट डाउन ट्रोडन है, उनके लिए जो कार्रवाई की है, यही कार्रवाई आगे चलती रहे तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट 2-5 साल के अंदर ही ये देश ऐसी प्रगति करेगा, ये देश इतना आत्मनिर्भर होगा कि हमें कहीं से कुछ मंगाना ना पड़े। और अभी हम लोग लैंड एक्विजिशन स्टेट पे पहुँचे हैं और अराउंड 50% हम लोग अभी लैंड एक्वायर कर चुके हैं और साथ ही साथ ROW जो बुलेट ट्रेन का है उसमें अपना ट्री कटिंग और स्ट्रक्चर डिमोलिशन का वर्क चल रहा है। सर, ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में कितने वृक्षों पेड़ काटे गए? पेड़ काटने के लिए अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रीज वो तो मुझे नहीं आइडिया है क्योंकि मैं पूरा स्ट्रेच नहीं देख रहा हूँ। मेरा जो स्ट्रेच है उसमें अराउंड मैं बात करूँ तो करीब, मैं एग्जैक्ट फिगर तो उसका नहीं बता सकता, लेकिन उसके काउंटर में हम लोग जो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं वो अराउंड 10,000 कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए सारे प्रोग्राम चलाए, स्पेशल स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाकर उनकी जांच करवाई, सभी जितने भी लोग थे सबकी जाँच करवाकर सबको National English School Valsad. A short introduction of the school. This school was established in 2006 and is working successfully with 700 students and 35 working and non-working staff. It is obtaining good results day by day. Recently the school scored 100% result in SSC board exam. सभी महानुभावों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरा विषय है कि गो कोरोना ग्रुप के माध्यम से हमने जो सेवाएं दी हैं वो सेवाएं आपके बीच 18 मार्च को जब लॉकडाउन की घोषणा हुई और उसके साथ ही एक हफ्ते के अंदर परेशानियां चालू हो गई, मजदूर हो कि माइग्रेंट लेबर हो जो कि अपने अपने घरों को जाने लगे, और उस समय परेशानी के समय प्रशासन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि एनजीओ के साथ मिलकर कार्य करें।
आज 73 साल खत्म हुए और 74 साल की शुरुआत हुई है। तो हमारी चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिन की शुभकामना के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा में राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से। जय हिंद, जय भारत।